बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल सुरभि शिक्षा संस्थान पर। एक बार निवेदन सभी से, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और नोटिफिकेशन का एक बेल आइकन होता है उसको जरूर प्रेस करें ताकि समय समय पर आपको वीडियो के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन मिलती रहे। आइए दोस्तों, ओस्त का जो सामान्य एक फॉर्मूला है, जनरली जो फॉर्मूला है जो किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में आप यूज कर सकते हैं या कहते हैं जिसे आप ओस्त कह सकते हैं, वो होता है सम ऑफ ऑल नंबर अपॉन नंबर एवरेज, सभी संख्याओं का जोड़ बटे जितनी संख्याएं, सभी संख्याओं का जोड़ या योग भी इसको आप कह सकते हैं, बटे कुल संख्या। तो ये सामान्य फॉर्मूला है, मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है तो यहां से आप शुरुआत कर सकते हैं। तो सभी संख्याओं का जोड़, यानी कि आप कोमा की जगह पर क्या कर दीजिए, प्लस कर लीजिए, और बटे जितनी संख्या है, 3, 3, 6 और 2, 8, तो 13 और 8, 21 और 12, 33 और 9, 42 और 6, 48 और 7, 55 और 4, 55 और 5, 64 बटे 8, यानी कि आपका जो आंसर है वो रहने वाला है 8। आइए सेकेंड क्वेश्चन है इसका, जब डिफरेंस आपका सेम हो, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, इन सभी संख्याओं का हो, तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट ऐड करेंगे, 5 + 33 / 2, यानी कि आपका आंसर रहेगा 38/2, 90। सो राइट योर आंसर इज 90। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7, 11, 15, x, 14, 21, 25, इन सभी संख्याओं का औसत यदि 15 हो तो बताइए कि x का मान क्या होगा। तो औसत का फॉर्मूला हमें पता है, डिवाइडेड बाय 7 होता है, तो यहां कोमा की जगह पर आप प्लस कर लीजिए और 15 × 7 = 105 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इनको प्लस कीजिए, 46, 4, 50, 60, 70, 75, 85, 86 और 93 माइनस कर दीजिए, आपका आंसर रहेगा 12। आइए दोस्तों आगे जो प्रश्न है ये है फॉर्मूला बेस्ड एवरेज, यानी कि इन प्रश्नों में समझने का कुछ खास नहीं है, आपको सिर्फ फॉर्मूले याद करने हैं, तो उन फॉर्मूलों पर बेस्ड है। जैसे पहले लिखा है फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर का एवरेज, पहली 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत। तो पहली 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, सीधे ही आपका फॉर्मूला लगेगा 101/2, जितने का पूछा है उससे एक ज्यादा और बटे क्या कर दीजिए 2, क्योंकि जोड़ने का जो फॉर्मूला होता है सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर वो रहता है n into n plus 1 by 2, क्योंकि ये औसत है तो इसमें डिवाइड करना पड़ता है नंबर से, तो नंबर कैंसिल हो जाएगा, तो आपका फॉर्मूला सिर्फ बचेगा n plus 1 by 2, यानी कि आप सीधे जितनी संख्याओं का पूछा है उससे एक ज्यादा करके बटे में 2 कर देंगे। यदि आपसे पूछा जाए फर्स्ट 100 इवन नंबर का औसत, पहली 100 सम संख्याओं का औसत, तो आपका सीधा आंसर रहेगा 101, क्योंकि इसका जो सम निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है n into n plus 1, तो ये तो सम का है, और यदि औसत का पूछ रहा है तो इनसे डिवाइड करना पड़ेगा, तो n कैंसिल हो जाएगा, तो सीधा ही आपके पास क्या बचेगा n plus 1। नेक्स्ट फर्स्ट 100 ओड नंबर का औसत, तो ओड नंबर का औसत वो तो बहुत ही सिंपल है, जितने भी ओड नंबर का औसत आपसे पूछा जाता है, जैसे यदि पहले 20 विषम संख्याओं का औसत पूछता है तो 20 आपका आंसर रहेगा, 50 का पूछता है तो 50 आंसर रहेगा, 100 का पूछा जाता है तो 100 आंसर रहेगा, क्योंकि इसका जो सम का फॉर्मूला है वो है एन स्क्वायर, तो आप एन से डिवाइड करोगे तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, खाली क्या बच जाएगा एन, यानी कि जितने पूछता है उतना ही आंसर। अब जो अगले दो प्रश्न है थोड़ा कंफ्यूजन के लिए वो एग्जाम में अक्सर आते हैं, आप अगर देखेंगे तो जनरली तौर पर आपको लगेगा कि वही क्वेश्चन है जो आपने अभी कराए हैं, क्योंकि यहां पर भी फर्स्ट 100 इवन नंबर है और यहां पर भी 1 to 100 इवन नंबर है, लेकिन दोनों में फर्क है। जब बात 1 से 100 सम संख्याओं की करेगा
फर्स्ट 100 इवन नंबर की करेगा या 1 to 100 इवन नंबर की करेगा, दोनों में फर्क है। दोनों में फर्क क्या है, 1 to 100 में 50 इवन होते हैं और 50 ओड होते हैं। तो जब आपको 1 to 100 पूछता है तो आपका जो आंसर रहेगा वो 51 रहेगा, क्योंकि हम हमने 101 किया था क्योंकि 100 पूछी थी, तो 50 पूछी है तो आंसर कितना रहेगा, 51। और जब ओड पूछता है तो इसका आंसर रहेगा 50। बस इसी बात का ध्यान आपने रखना है कि आपसे पूछा क्या गया है, 1 to 100 या फर्स्ट 100। और यही बच्चे गलतियां करते हैं एग्जाम में, क्योंकि एग्जामिनर आपसे 1 to 100 पूछ लेता है, थोड़ी सी आप कह सकते हो क्लेवर क्लेवरिटी का यूज कर जाता है, थोड़ी चालाकी दिखा जाता है, तो उससे बचना है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर या एवरेज ऑफ द क्यूब ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। हालांकि एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, लेकिन चलिए क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड है, हमें सिर्फ एक फॉर्मूला ही याद रखना है, तो इसके सम का फॉर्मूला होता है n(n+1)(2n+1)6। क्योंकि ओ से निकाल रहे हैं तो n से डिवाइड होगा तो ये आपका कट जाएगा, तो आपका आंसर रहेगा 101 × 201/6, ये आपके ओ का आंसर रहने वाला। और क्यूब का जो सम होता है n(n+1)/2 सारे का स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला रहता है, बट क्योंकि हम औसत निकाल रहे हैं तो इसका अगर स्क्वायर बोल दो बढ़ जाएगा n स्क्वायर n(n+1)/4, तो n से डिवाइड करना पड़ेगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर रहने वाला है 100 × 101 × 101/4 25। तो ये आपका औसत आ जाएगा, यहां से आप मल्टीप्लाई करेंगे और 25 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आपका औसत रहने वाला है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, तीन संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी है और दूसरी संख्या तीसरी की 3 गुनी है, यदि तीनों का औसत 10 हो तो सबसे बड़ी संख्या बताइए। अब देखिए इस प्रश्न को करने के 2 तरीके आपके पास हैं, मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूं, तो जो तरीका आपको आसान लगे आप उससे करेंगे। सबसे पहला है, उसने पूछा सबसे बड़ी संख्या, यदि उसने कहा है पहली दूसरी की 2 गुनी और दूसरी तीसरी की 3 गुनी, तो हम तीसरी संख्या को x मान लेते हैं, थर्ड नंबर हमारा क्या हो जाता है x, तो तीसरी के हिसाब से दूसरा क्या हो जाता है 3x और फर्स्ट ये सेकंड हो गया और ये फर्स्ट और ये हमारा हो जाता है 6x। तीनों का औसत उसने कितना किया है 10, ये भी कितना गया 6 और 3 9 और 1 10, तो 10x/3 = 10, तो ये हो गया x = 10 × 3/10 x = 3, तो हमारे को सबसे बड़ी संख्या पूछी गई थी, दैट इज योर आंसर 18। ये है आपको करना पड़ेगा, x मानना पड़ेगा, जंक्शन है, लेंथी प्रोसेस है थोड़ा सा, हम आंसर से भी सीधा निकाल सकते हैं, यदि उसने सबसे बड़ी पूछे तो डेफिनेटली उसने सबसे बड़ी दी है, स्टेटमेंट से भी साफ पता चला है कि पहली सबसे बड़ी है, क्योंकि पहली दूसरी की 2 गुनी और दूसरी तीसरी की 3 गुनी है, तो अगर सबसे बड़ी 12 हो तो यानी कि दूसरी क्या होगी 6 क्योंकि इसकी 2 गुनी है और तीसरी क्या होगी 2 क्योंकि ये उसकी 3 गुनी है, तो 12 और 6 = 18 और 2 = 20। 20 अगर तीनों का जोड़ है तो 10 एवरेज नहीं हो सकती, वो 6 पॉइंट पूछ ली जाती है, हमारा ऑप्शन गलत है। 30 हो तो दूसरा ऑप्शन बनता है 15 और तीसरा ऑप्शन बनता है 5, 30 और 15 = 45 गलत है, 15 के हिसाब से तो 7.5 बनता है, तो 7.5 के हिसाब से तो सोचना भी पॉसिबल नहीं, आप 18 सोचिए, 18 के हिसाब से 9 और 3 = 18 और 9 = 27 और 3 = 30। विश्वास कीजिए चारों ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ा आइडिया भी आपको लगेगा, यदि आपकी एवरेज पर पकड़ अच्छी है तो डेफिनेटली आप जल्दी आंसर पर पहुंच जाएंगे और जो लेंथी प्रोसेस है उससे आपको गुजरना नहीं पड़ेगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, 12 छात्रों का औसत यदि 15 हो और 18 छात्रों का औसत यदि 10 हो तो सभी छात्रों का औसत कितना होगा, तो सभी छात्र कितने हो गए 30, तो इनका औसत अगर हम निकालें तो आपको ऑप्शन दिया होगा 25, तो कई बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं, सीधा ही आंसर लिख देते हैं 25,
ऐसा नहीं होता है, आप 12-15 की मल्टीप्लाई करेंगे 180 आएगा, 18-10 की मल्टीप्लाई से 180 आएगा, दैट इज 360, और 360 अपॉन 30 दैट इज 12, तो आपका जो आंसर है वो रहने वाला है 12। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 30 छात्रों का औसत 12 है और उनमें से 18 का औसत 10 है, तो बाकी बचे हुए छात्रों का औसत भार बताइए। बाकी बचे हुए छात्र कितने बचे? 12। 30 में से आप 18 माइनस कर लीजिए, तो यहां क्या होगा, 30 और 12 का मल्टीप्लाई किया 360, 18 10 का किया 180, तो अब आप माइनस करोगे, माइनस करके आपके पास 180 आएगा, 180 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 15 आपका आंसर आ गया। आइए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 13 संख्याओं का औसत 50 है, प्रथम 7 का 45 है और अंतिम 7 का 55 है, तो सातवें स्थान की संख्या बताएं। तो प्रथम 13 का 50 है तो 13 बचे 65, यानी इन सबका टोटल कितना हुआ 650, ये 45 सत्ते, अब 7 चौका 80 280 सत्तर पंजे 35 315 हो जाएगा, 50 सत्ते 350 और सत्तर पंजे 35 85, 5 और 5 10 8 और 1 9 3 और 3 6 690 और 650 को आप माइनस करोगे तो आपके पास जो आंसर आने वाला है वो है 40। आई होप कि समझ में आ गया होगा। 13 को 50 से कर लेंगे, उन दोनों को आपस में करके जब जोड़ेंगे तो डेफिनेटली उससे ज्यादा रहेगा, क्योंकि सातवें नंबर की जो संख्या है वो रिपीट हुई है, तो वही संख्या आपके पास एक्स्ट्रा आती है, आप दोनों को माइनस कर लेंगे तो सातवें स्थान पर जो संख्या है वो आपको मिल जाएगी। आइए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक कक्षा के 25 छात्रों का औसत भार 50 किलोग्राम, एक अध्यापक को यदि शामिल कर लिया जाए तो औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ जाता है, तो अध्यापक का औसत भार बताइए। तो चलिए मैं इसको दोनों तरीके से आपको बता देता हूं। पहले आप क्या करोगे, 25 को 50 से मल्टीप्लाई करोगे, 1250 किलोग्राम टोटल वेट आ जाएगा, एक अध्यापक शामिल हुआ है तो वो 26 हो गए हैं और औसत भार आपका 51 हो गया है, तो 26 एकम 26 6 2 26 50 130 और 2 वहां से बने 132, 1326 से आप 1250 घटाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 76 किलोग्राम। एक तो ये तरीका है आपके पास, दूसरा आइए दोस्तों ट्रिक से कर लेते हैं, शॉर्ट ट्रिक से। 25 छात्रों का औसत भार 50, एक के आने पर औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ता है, 1 किलोग्राम का फर्क पड़ा तो आपका जो है 25 × 1, तो 25 का फर्क तो सीधा ये और 51 उसके साथ हो गया, तो ये आएगा सीधा आपका 76, तो डायरेक्टली भी आप इस क्वेश्चन। आइए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 6 संख्याओं का औसत 20 है, एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 15 हो जाता है, संख्या बताएं, तो वही दो मेथड है, आप जाएं तो 6 20 120 हो सकता है, 5 रह गए हैं 15 है तो 5 × 15 75 हो सकता है, माइनस करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 45, नहीं तो डायरेक्टली भी आप कर सकते हैं, 20 और 15 5 का गैप आया, संख्याएं कितनी थी, एक संख्या हटा दी जाए तो 5 का गैप आपका आता है, तो 5 × 5 अब हो गया 25 + 20 वो पहले वाली, तो आपका आंसर हो जाएगा 25 + 20 45, तो दोनों में से जो भी आपको सही लगे आप उस मेथड की सहायता से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 15 व्यक्तियों के भार में 2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है यदि 48 किलोग्राम के व्यक्ति के स्थान पर कोई नया व्यक्ति आ जाए तो उस नए व्यक्ति का भार बताएं। अब एक बात समझिए, भार बड़ा है 2 किलोग्राम हर व्यक्ति का बड़ा है तो टोटल कितना भार बढ़ गया 30 किलोग्राम, और 48 किलोग्राम का व्यक्ति गया है और नया व्यक्ति आया है, क्योंकि 48 का गया है उसके जाने के बाद नया जो है उसने पहले वेट को बढ़ा दिया, तो इसका मतलब आने वाला व्यक्ति इस व्यक्ति से अधिक भारी है, कितना अधिक भारी है 30 किलोग्राम अधिक भारी है, तो नए व्यक्ति का वेट हो जाएगा 78 kg, इस 48 में
ये 30 किलोग्राम हम जोड़ देंगे। और यही प्रश्न इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि 15 व्यक्तियों के भार में 2 किलोग्राम की कमी हो जाती है, वृद्धि की जगह पर क्या पूछ सकता है आपसे, कमी हो जाती है यदि 48 किलोग्राम के व्यक्ति के स्थान पर कोई नया व्यक्ति आता है, क्योंकि इस बार कमी हुई है तो कितने की कमी हुई है, 30 किलोग्राम की। अब ये बात स्पष्ट हो जाती है कि आने वाला जो व्यक्ति है वो 48 किलोग्राम वाले व्यक्ति से कम वेट का है, तो कितने कम वेट का है, इसी कम वेट का है, 48 में से 30 आप माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 18। आइए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 20 संख्याओं का औसत 35 है, परंतु एक त्रुटि हुई है, गलती हुई है, मिस्टेक हो गई है, 16 के स्थान पर 61 लिख दिया गया है, यानी कि लिखना 16 था, बाय मिस्टेक 61 लिखा गया है, तो इस त्रुटि को सही करें और सही मान बताएं, कुछ इस तरह से प्रश्न आपके पास आता है। 20 संख्याओं का औसत 35 है तो टोटल कितना आ जाएगा, 700। अब चाहे तो आप इस डिफरेंस को देखिए, लिखना 16 था, लिखा 61 गया, ज्यादा लिखा गया है, कितना ज्यादा लिखा गया है, 45, तो चाहे तो आप 45 घटा लीजिए, 655 आ जाएगा। और यदि आप इसमें कंफ्यूज होते हैं तो 700 में क्या कीजिए, जो तो सही है, जो सही नंबर है उसको तो ऐड कीजिए, 16 सही नंबर है ऐड कर दिया, और जो रॉन्ग नंबर है उसको माइनस कीजिए, तो आपके पास 655 राइट आ जाएगा, क्योंकि संख्याएं अब भी 20 ही है, तो आप 20 से डिवाइड करेंगे आंसर आ जाएगा। इन्हीं क्वेश्चन में कई बार क्या करता है वो ये भी कह सकता है कि नंबर एक्स्ट्रा लिखा गया था, वो नंबर बताएगा आपको, उस नंबर को माइनस करें, नंबर छोड़ दें, तो नंबर जो संख्याएं हैं वो भी कम हो जाएंगी। कैसे, जैसे कहेंगे 20 संख्याओं को 35 है जी, अब 61 गलती से लिखा गया है जी, तो आपको करना क्या है, 61 माइनस करना है, 700 में से आप 61 माइनस करेंगे, आपके पास आ जाएगा 639 और संख्याएं रह जाएंगी 19। इस बात का ध्यान रखना है। या फिर वो ये कहेगा कि 16 के स्थान पर 61 लिखा गया जी, नंबर ओमिटेड, नंबर हटा दिया गया है, तो आप उस केस में भी यही करेंगे, 61 घटाएंगे, 16 का आपने ध्यान नहीं देना है, और आप 19 से डिवाइड करेंगे क्योंकि नंबर हटा दिया गया है, ठीक है। तो इस तरह से आपने इस बात को ध्यान रखना है।